कम कीमत में यूएस डॉलर देने का झांसा देकर एक गारमेंट व्यापारी से 90,000 की ठगी की गई है। इमामवाड़ा पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी ईरानी गैंग के सदस्य होने की संभावना है। बंजारी नगर निवासी 68 वर्षीय रमेश भोले 9 अक्टूबर को एक 30-35 साल की महिला कपड़े खरीदने के बहाने भोले की दुकान पर आई। $9,000 की कीमत करीब 6,75,000 रुपए है। भोले ने महिला से खरीदने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद महिला ने पुनः भोले को 21 अक्टूबर को फोन कर डॉलर खरीदने को कहा। वह 90,000 रुपए में बेचने के लिए भोले तैयार हो गए। 21 अक्टूबर की सुबह महिला ने भोले को अशोक चौक के दुर्गा मंदिर के पास बुलाया। वहां महिला 2 लोगों के साथ पहुंची थी। आरोपियों ने जेब से रुमाल निकाल झटका। भोले के अनुसार रुमाल निकालते ही उन्हें कुछ नहीं सूझा। आरोपियों ने एक थैली देते हुए उसमें यूएस डॉलर होना बताया। 90,000 रुपए लेकर आरोपियों ने भोले को थैली सौंप दी। घर पहुंचने पर भोले को थैली में डॉलर की बजाय नोटों के आकार के रद्दी कागज रखे होने का पता चला। उन्होंने इमामवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। 2019 को अक्टूबर में इसी घटनास्थल पर एक व्यापारी से 5,00,000 की ठगी की गई थी। उसे भी डॉलर बेचने का झांसा देकर शिकार बनाया गया था। उसमें भी एक महिला तथा 2 पुरुष थे। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर महिला तथा उसके साथियों की खोज कर रही है।